जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है कि महिला एवं बाल विभाग के अंतर्गत 440 पदों पर एक वैकेंसी जारी किया गया है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, याद रखना। और क्या होगी योग्यता, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, वेतनमान कितना होगा, पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। बात करते हैं यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक के बारे में, यानी कि सुपरवाइजर के बारे में, जिसकी पद 440 है। पहली जो पद है आपका 220 पद, जो कि आपका होगा जम्मू माई लोगन के लिए, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए। साथ ही जो 220 पद और जो है वो आपका हो जाएगा आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और समझ के जाना, ठीक है। जो आपका है 440 पद निकला है बाल विकास, यानी कि महिला एवं बाल विभाग के अंतर्गत ये जो 440 पद निकला है वो आपका आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए है। साथ ही जम्मू संगवारी मन के माई लोगन के बारे, यानी कि दोनों मिलाकर दोनों के सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। खुली सीधी भर्ती साथ ही परिसीमित सीधी भर्ती, दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करना है और कितने पदों पर इसकी वैकेंसी जो आई थी वो बिल्कुल अलग होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खुली सीधी भर्ती व परिसीमित सीधी भर्ती के बारे में, जिसमें खुली सीधी भर्ती का 220 पद, उसी प्रकार आपका हो जाएगा परिसीमित के लिए आपका 220 पद, दोनों मिलाकर 440 पद वैकेंसी निकलकर आई है, भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही जो यह एग्जाम होगा आपका व्यापम लेगा, ठीक है, आपके वेबसाइट पर, यानी कि व्यापम के वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये कितने नंबरों पर होगा, तो ये आपका 200 नंबर का होगा, 100 प्रश्न पूछा जाएगा। समय के बारे में बात करें तो समय आपका 3 घंटा रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत के लिए, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो महिला एवं बाल विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकला है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सिलेबस, जो कि खुली सीधी भर्ती से संबंधित है, जो कि 200 अंकों का प्रश्न है, ठीक है। 200 अंकों का जो प्रश्न रहेगा 100 प्रश्न रहेगा, एक जो अंक रहेगा आपका 2 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आप स्क्रीन पर देखिएगा जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद मैं परिसीमित सीधी भर्ती के बारे में बताऊंगा। तो देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भाग 1 में महिला एवं बाल विभाग विकास के अंतर्गत 40 नंबर का आएगा, उसी प्रकार आपका सामान्य ज्ञान यानी कि भाग 2 में आपका सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता से संबंधित रहेगा 80 नंबर का, यानी कि उसमें सामान्य ज्ञान भी रहने वाला है, साथ ही मानसिक तार्किक योग्यता यानी कि तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से संबंधित सवाल रहने वाला है। उसी प्रकार आपका समसामयिक हिंदी छत्तीसगढ़ की भाषा ज्ञान आपका 30 नंबर का रहेगा भाग 3 में। उसी प्रकार भाग 4 में आपका अंग्रेजी का रहेगा 20 नंबर का। उसी प्रकार भाग 5 में गणित का नंबर रहेगा 30 नंबर, यानी कि टोटल आपका 200 नंबर का हो रहा है खुली सीधी भर्ती से संबंधित यह सिलेबस। उसी प्रकार आपका परिसीमित सीधी भर्ती के लिए एक और सिलेबस है जो कि डिफरेंट है, सिलेबस थोड़ा डीप में रहेगा ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में, जो सिलेबस आपका परिसीमित सीधी भर्ती से संबंधित, जिसमें महिला एवं बाल विभाग के अंतर्गत आपका 120 नंबर पूछा जाएगा। पहले कितना नंबर पूछा जा रहा था खुली सीधी भर्ती में आपका 40 नंबर, जबकि यहाँ पर कितना पूछा जा रहा है 120 नंबर, कितने का फर्क है 80 नंबर का फर्क है, याद रखना। ये दोनों डिफरेंट है आपका, इसमें 80 नंबर का फर्क आएगा। साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता में 30 नंबर, उसमें पहले कितना पूछा गया था 80 नंबर, अब यहाँ उसको कम कर दिया गया है, यहाँ पर आपको 30 नंबर पूछा गया है। उसी प्रकार पहले में आपका 40 नंबर पूछा गया था, अब इसमें कितना पूछा जा रहा है 120 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर सामान्य हिंदी एवं भाषा छत्तीसगढ़ी से आपका कितना रहेगा 20 नंबर, पहले कितना था 30, अभी कितना यहाँ पर 20। उसी प्रकार यहाँ पर अंग्रेजी से 20 नंबर, उसी प्रकार इसमें 10 नंबर पूछा जा रहा है, देखिएगा कितना डिफरेंट है, इधर इधर उधर हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो 220 पद निकल कर आया है आपका आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के लिए, यानी कि परिसीमित सीधी भर्ती के लिए, साथ ही माई लोगन वर यानी कि जम्मू संगवारी माई लोगन वर 220 पद है नी, तो एमए अंग्रेजी की करना 10 नंबर, गणित के आपका 20 नंबर, टोटल तो 200 अंकों का ही आएगा, 100 प्रश्न ही रहेंगे, लेकिन इधर
इधर उधर सिलेबस हुआ है बस कुछ नहीं। इसमें जैसे कि उसमें अगर 40 नंबर है तो इसमें 120 पूछा जा रहा है, अगर पहले वाले में 80 नंबर पूछा जा रहा है तो इसमें इसमें 30 नंबर पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना आपको, बस सिलेबस सेम रहेगा, तैयारी आपको करना है। ठीक है, मैं आपको बताया हूँ महिला पर्यवेक्षक के बारे में, हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, 5 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक स्टूडेंट को यह मिल सके। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे ज्वाइन करना है यूट्यूब को। तो देखिए, सबसे पहले आपको हमारे सब्सक्राइब के बगल में जो मेंबरशिप यानी कि ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा उसको जाके आप क्लिक कीजिएगा, आपको मेंबरशिप क्लास मिल जाएगा अगर आपको ज्वाइन करना है तो, अन्यथा हमारे YouTube चैनल पर तो रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है। समय के बारे में बात करें तो रात 8:30 से 9:30 के बीच जो क्लासेस रहती है हम स्टार्ट करेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर का, जो कि अभी भर्ती निकल कर आई है 440 पदों। उसी प्रकार हॉस्टल वगैरह की भी भर्ती निकल कर आने वाली है बहुत जल्द, एडीओ का भी आने वाला है, आरआई का भी आने वाला है ना। हमारे YouTube चैनल पर कराया जाएगा, अभी हाल ही में छात्र शिक्षक की क्लास में कंप्यूटर की क्लास कराई जा रही है जिसमें आपको पर कंप्यूटर में 50 में 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो यही देखिए जो छात्र शिक्षक है जो हमारे YouTube चैनल पर तो कराया जा रहा है मेंबरशिप के माध्यम से, साथ ही YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही महिला पर्यवेक्षक बारे में आप सभी को मैं क्लियर बता ही चुका हूँ कि कितने पदों पर वैकेंसी आई है। वेतन मान के बारे में बात करें तो वेतन मान आपका होगा 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक। उसी प्रकार आपका रहने वाला है जो कि मैं आपको अभी बताया हूँ जो लेवल है, जो पहला जो खुली सीधी भर्ती का लेवल है आपको 5वां रहेगा, जो आपकी ये नीचे वाला रहेगा 6वां रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? और जो आपको डाउट होता है, जो भी आपको पूछना रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर बिल्कुल आप डाउट क्लियर कर सकते हैं ना, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं।